सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नियो ने कर दिया है ओमेगा को डाउन। एक और फाइट नियो सामने की तरफ, एक और खिलाड़ी को टेक डाउन करते हुए, इस बार हेक्टर इज गोना बी द सेकंड वन। और नियो वो बुलेट स्पायर की जा रही है, बट स्टिल ही हैज टेकन द समान समान भी काट लोग टैग और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक 1v4 बेशक इस पे जरूर समय लगा, लेकिन ये चारों के चारों फ्रैग नियो के खाते में जुड़ते नजर आए यहाँ पर। एंड क्या ही कमाल का, इससे पहले में ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स के द्वारा एक 1v4 वहां पर देखने को मिलता नजर, यहाँ पर नियो के द्वारा भी एक 1v4 देखने को मिलता नजर आएगा। तुरंत ही उनके ऊपर भी कुछ थर्ड पार्टी शॉट जरूर आए थे, लेकिन क्या ही कमाल का रिटेलिएशन अमर एंड शैडो पर आने की कोशिश तो करेंगे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, शैडो के ऊपर शॉट्स आते हुए, बट अभी भी ओपनिंग नहीं मिली है। लेकिन निंजा पॉइंट टेक डाउन करते हुए शैडो, पता नहीं चलता इफ इट इज क्लच गॉड और नॉट, तो गना से एक अमर ओनली और ग्लोबल के निशान के नियो, नियो स्ट्राइक अगेन, प्लेयर को टेक डाउन करते हुए। लेकिन सामने की तरफ एक और प्लेयर डाउन पड़ा है, नियो को बड़ा बड़े हील करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से भी प्लेयर अप्रोच कर रहे हैं। बट नियो आज के दिन पे मैं अक्सर कहता हूं ये खिलाड़ी टीम के अंदर एक्स फैक्टर लेके आता है, वो यही खिलाड़ी अभी सारे प्लेयर्स को आउट नंबर कर रहा है अकेला। मावी की तरफ पीछे से आए, लेकिन आगे से निंजा बॉय ने भी टेक डाउन कर दिया है। आप मवी नजर आएंगे उनको भी टेक डाउन करते, क्योंकि नॉक तो आपने दिखाया है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखिए मैं यही चीज की बात कर रहा था, एक नॉक आ चुका है और अब वन की फाइट होने वाली मवी वर्सेस क्लच गॉड के बीच। पहले तो कंफर्मेशन निकाला जाएगा टीबीएस, मतलब पहले ही संदेह यहां पर होने वाला है कि टीबीएस के पटके देखने को मिलेंगे, मवी को भी निकाला जाएगा। 1v2 क्लच फ्रॉम द क्लच गॉड साइड।